मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगरपालिका औद्योगिक नगरी पीथमपुर के नगरपालिका का आगामी वर्ष के लिए बजट सत्र गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें शहर में होने वाले कार्यों और विकास कार्यों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई। इस बैठक में कुल 140 विषयों को रखा गया। बैठक में मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा उपकर के साथ सागर स्कूल का निर्माण, लगभग 2 करोड़ का सागर हाट मैदान, शहर के शासकीय भवनों का नामकरण हेतु पार्षदों से प्रस्ताव, रोड की समस्या में मुख्य रूप से महू निमच रोड पर महिंद्रा ब्रिज और आजाद चौराहे के ब्रिज को तोड़कर एलिवेटेड ब्रिज बनवाने का प्रस्ताव, इंडोरामा सिविक सेंटर का निर्माण, फूड जोन, स्पोर्ट जोन कॉम्प्लेक्स सर्व सुविधाओं सहित बगदून मंडलावदा का तालाब का सौंदर्यीकरण लगभग 17 करोड़ की लागत से, कॉलेज स्टेडियम सागर सहित पीथमपुर में क्रिकेट स्टेडियम, कुटी रोड का निर्माण कार्य, नवीन बस स्टैंड पर दुकानों स्थित 39 दुकानों का आरक्षण और उसके आबंटन की प्रक्रिया कर ऑनलाइन टेंडर किए जाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव, नगरपालिका अध्यक्ष कविता वैष्णव, नगरपालिका उपाध्यक्ष हंस राज पटेल, सीएमओ मधु सक्सेना, एचओबीएस महते विजय अहिर, मयूरी वर्मा, पार्षद मनोज जायसवाल, पप्पू असोलिया सहित सभी पीथमपुर के पार्षद और नगरपालिका के इंजीनियर मौजूद रहे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी बताए, आज जो बजट सत्र को लेकर और विकास कार्य को लेकर मीटिंग थी, क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहे थे? ये नगर पालिका परिषद की बजट मीटिंग थी, महत्वपूर्ण मीटिंग थी और करीब पीथमपुर नगर पालिका ने 350 करोड़ का जो है बजट पटल पे रखा था परिषद की, और सभी पार्षदों ने पीथमपुर के समग्र विकास की अधोसंरचना, स्वच्छता, बड़े रोड, गार्डन, स्टेडियम और कई रोड की कनेक्टिविटी, इनको लेकर और डेवलपमेंट को लेकर कई प्रस्ताव बजट में सम्मिलित थे। और महत्वपूर्ण तो अमृत टू फेस था, जिसके अंदर 250 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट भारत सरकार के सहयोग से, और यहाँ चूँकि नर्मदा का फर्स्ट फेज अमृत योजना में आ चुका है, तो सेकंड फेज में वाटर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जो वाटर लाइन है उसको भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा है, ताकि जहाँ जहाँ वाटर लाइन नहीं डली है वहाँ वाटर लाइन डल के लोगों को नर्मदा का पानी उनके घरों तक पहुँचे, उसके लिए भी प्रस्ताव और बजट में प्रोविजन किया गया है। उसके अतिरिक्त बस स्टैंड तैयार हो चुका है, और नगर के जो एलिवेटेड ब्रिज वाला जो मामला है, जो 3 ब्रिज का जाम लगे रहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी बार बार इन चीज़ों को प्रमुखता से रखा, तो उसके संबंध में भी ठोस निर्णय लेकर शासन से शीघ्र ही ये 3 एलिवेटेड जो ब्रिज है, आईसर चौराया, महिंद्रा चौराया और कुटी चौराया के ब्रिज के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा है। कहीं ना कहीं बैठक में देखा गया कि कुछ पार्षदों द्वारा जलकरण वृद्धि को लेकर विरोध जताया गया। सभी पार्षदों के साथ अध्यक्ष महोदय का भी कहना था कि अभी जलकर बढ़ाना उचित नहीं, क्योंकि कोविड काल में से गुजरा हुआ है शहर और ये क्योंकि श्रमिक क्षेत्र है, तो अध्यक्ष का भी मानना था, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों का एक मत ये मानना था कि जलकर की वृद्धि को स्थगित रखा जाए, पहले जल की जो पाइपलाइन है बिक जाए, कनेक्शन हो जाए, उसके बाद इस पर विचार किएगा, इसलिए उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। आपका नाम बताइए। संजय वैष्णव, विधायक प्रतिनिधि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।